हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और मैं हूं दीदी। दोस्तों, आज की वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने पिंपल्स को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हो। आज की इस ये जो वीडियो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपको, आज की अगर ये वीडियो मेरी पूरी देखोगे ना तो आप जान पाओगे कि आपको पिंपल्स होते क्यों है, उसको किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो, कैसे हमेशा के लिए उसको बाय बाय बोल सकते हो, जिसके कारण आपको कभी पिंपल्स होंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि आपको पिंपल्स होते क्यों हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी, डिटेल्स में बताऊंगी, और उसके क्या उपाय है, बिना एक रुपए खर्च किए हुए आप अपने पिंपल्स को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हो, कितने भी ज्यादा पुराने पिंपल्स हो उसको आप हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल सकते हो फ्रेंड्स। बट उसके लिए आपको मेरी होम रेमेडीज फॉलो करनी पड़ेगी, उसको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पिंपल्स खत्म होंगे। मैं आपके लिए बेस्ट होम रेमेडीज लेके आई हूँ आज की इस वीडियो में। वैसे तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि पिंपल्स को जड़ से कैसे खत्म करें, तो काफी सारी आपको मतलब आएगी वीडियोस कि आप ये करो वो करो, बट उसमें से बहुत कम ही होते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो उसमें से मैं बहुत अच्छा सा वीडियो सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा सा तगड़ा वाला वीडियो जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पिंपल्स खत्म करने हैं ना, सच में खत्म करने, बिना पैसे खर्च किए हुए, बिना मतलब बहुत ज्यादा तामझाम किए हुए, तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप ये जानें कि आपको पिंपल्स होते क्या है, पिंपल्स होने का कारण क्या है। सबसे पहले तो पिंपल्स टीनेजर्स को बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो उनकी एज होती है उस एज में हार्मोन जो है ना अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण की पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। तो पहला तो आपको फ्रेंड्स ये है कि हार्मोन चेंजेस की वजह से आपको पिंपल्स होती है। और जो सेकेंड चीज होती है ना फ्रेंड्स, आपकी डेड स्किन की वजह से भी आपको पिंपल्स होती है। अगर आप अपने डेड स्किन को रिमूव नहीं करोगे, अपनी स्किन की केयर नहीं करोगे टाइम टू टाइम, उसको आप स्क्रब नहीं करोगे, जिसके कारण आपके फेस पे एक डेड स्किन, एक परत, एक लेयर जमा हो जाती है, जिसके कारण फिर उस पे पिंपल्स होने लगते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने डेड स्किन को रिमूव करना, जिसके कारण आपको वीक में एक बार स्क्रब जरूर करना है फ्रेंड्स, उससे आपकी डेड स्किन अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तीसरा कारण जो होता है फ्रेंड्स आपके फेस पे पिंपल्स होने का, वो होता है आपके ओपन पोर्स। अगर आपके ओपन पोर्स क्लोज हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे ना, तो आपको फेस पे पिंपल्स हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे पोर्स क्लॉग कैसे होगा। फ्रेंड्स, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या ऑफिस गोइंग बॉयज हो, कोई भी हो, तो फ्रेंड्स अगर आप अपने फेस का ख्याल नहीं रखते हो, अगर दिन में 3 से 2 बार फेस वॉश नहीं करते हो, तो आपको पिंपल्स होता है। फ्रेंड्स, जो टी जोन एरिया होता है ना, उसके आसपास आप देखते होंगे रोम छिद्र होता है, जिसको ओपन पोर्स कहते हैं, उसमें डर्ट पोल्यूशन, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, और आप उसको अगर क्लीन नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो वहाँ पे जमा होते जाता है, और जिसके कारण वो वहाँ पे पिंपल्स का रूप ले लेता है। इसीलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने फेस को टाइम टू टाइम क्लीन करना, टाइम टू टाइम स्क्रब करना। ये सब कुछ कारण है जो कि आप लोग पिंपल्स को इनवाइट करते हो। तो इन बातों को आप फॉलो करो, तो अगर फॉलो करोगे तो फिर पिंपल्स होंगे ही नहीं। पिंपल्स स्किन वाले जिनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, तो वो लोग कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करें जो अब उनके पिंपल्स को अच्छे से ट्रीट करे। वो नीम का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। नीम बहुत ही पावरफुल एजेंट माना जाता है पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए। देखा जाए फ्रेंड्स तो ऑयली स्किन वाले को पिंपल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है। ऑयली होने के कारण उनकी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो स्किन के बाहर आ जाता है, और स्किन में बाहर आने के कारण क्या होता है, उनके ओपन पोर्स में वो चला जाता है, और ऑयल जमा होने के कारण डर्ट पोल्यूशन को वो अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है, और पोर्स में सारे जाके जमा होते जाते हैं, जिसके कारण पिंपल्स हो जाते हैं। और कुछ कारण होते हैं कि जो ऑयल है ना, स्किन की जो नेचुरल ऑयल होती है, वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके कारण भी पिंपल्स होते हैं। अब तो फ्रेंड्स बातें हो गई कि पिंपल्स होते क्यों है, अब मैं आपको बता दूं कि आप उसको ट्रीट कैसे कर सकते हो, उसको ठीक कैसे कर सकते हो होम रेमेडीज से। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज बताऊंगी आपको करना क्या है। फ्रेंड्स, आपको फ्रेश एलोवेरा जेल का प्लांट लेना है, उसको छील लेना है, उसका जो अंदर व्हाइट वाला पार्ट होता है, जेल होता है, उसको अपने फेस पे दिन में 2 बार लगाना है। ये बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव है, आप इसे 1 महीना तक ऐसे करो, आपके पिंपल्स बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। ये
बहुत ही अच्छा सा घरेलू और बहुत ही इजी सा नुस्खा है आपके पिंपल्स को खत्म करने के लिए। आपको रोज ऐसे करना है, एक महीने तक आप इसको इस तरीके से रेगुलर करो, और एलोवेरा का कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हो। आपको बहुत फर्क, बहुत अंतर दिखेगा अपने पिंपल्स में। अब जो सेकेंड होम रेमेडीज है ना फ्रेंड्स, वो ये है, आप कर सकते हो, आप नीम पाउडर ले सकते हो। अगर आपके पास नीम पाउडर नहीं है तो आप नीम का पत्ता ले सकते हो, और उसका जो है ना आपको क्या करना है, आपको उस पत्ते को उसे अच्छे से पीस लेना है। पीस के जो उसका रस निकलेगा ना फ्रेंड्स, आपको वो रस लेना है, ठीक है। और उस रस में आपको थोड़ा सा टर्मरिक हल्दी, हल्दी उसमें मिला लेना है। उसके बाद जहां जहां आपको पिंपल्स है वहां वहां पे उसको लगा लेना है। ये बहुत ही अमेजिंग सा नुस्खा है आपके पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है जो मेरा जो दो नुस्खा है, बहुत ही इजी सा नुस्खा मैं आपको बताई हूँ, जो आप लोग इजीली इसे अफोर्ड कर पाओगे बिना खर्च के हुए। आप घर पे बस होम रेमेडीज करके, इजी सा होम रेमेडीज करके अपने पिंपल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर आपको पिंपल्स है ना तो आपको अपने फेस पे कभी भी उंगली नहीं करना है। कितने भी पिंपल्स आपको बोले कि प्लीज मुझे छू लो, मुझे मतलब वो कहते हैं पिंपल्स कभी कभी खुजली करते हैं, कभी वो पे उसमें पस हो जाता है जिसके कारण आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर आप उसमें हाथ लगा के वो पस निकालते हो। बट फ्रेंड्स आपको गलती से भी ये चीज नहीं करना है, आपको पिंपल्स को बिल्कुल भी नहीं छूना है, नहीं तो वो और भी पूरे फेस पे आपके फैल जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत जल्दी फैलता है। तो आप पिंपल्स को कभी भी हाथ ना लगाएं, अगर आप हाथ लगाओ कि वो आपके अंदर की स्किन को डैमेज करेगा, और जिसके कारण आपकी जो स्किन है वहां पे दाग भी हो जाएगी, और वो फिर दाग छूटने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप अपने पिंपल्स को कभी भी टच ना करें। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो ना तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, थैंक यू।